अपनी जान कुर्बान करना तो हमारा काम है। कुछ लोग ऐसा ही समझते हैं। हमारी इस भावना को सम्मान देने की बजाय लोग कैसी कैसी बातें करते हैं। हर माँ की तरह मेरी माँ ने भी फौज में भेजने से मना कर दिया, पर मेरी देशभक्ति की जिद ने उन्हें हाँ करने पर मजबूर कर दिया। कभी आकर देखो माँ बाप अपने इकलौते लड़के को सीने पर पत्थर रखकर गोला बारूद के बीच में कैसे भेजते हैं। हमारी इस भावना को सम्मान देने की बजाय लोग कैसी कैसी बातें करते हैं। नई नई शादी करके अपनी बीवी को अकेला छोड़ आते हैं। उसके सावन के झूले, हरी हरी चूड़ियां, इन सब सपनों को तोड़ आते हैं। भाई, दिल तो हमारा भी तुम्हारे जैसा ही धड़कता है, अरमान तो हमारे भी मचलते हैं। हमारी इस भावना को सम्मान देने की बजाय लोग कैसी कैसी बातें करते हैं। जब बीवी हमें इस दुनिया में प्यार की निशानी आने की खुशखबरी सुनाती है, मैं अपने बच्चे को गले लगा पाऊंगा कि नहीं, यह सोचकर रूह कपकपाती है। जब भी हमें परिवार के साथ रहने का मौका मिलता है, उसी को हम त्यौहार समझते हैं। हमारी इस भावना को सम्मान देने की बजाय लोग कैसी कैसी बातें करते हैं। हालात ये भी हो जाते हैं कि फोटो से ही हम अपने बच्चे को बड़ा होते देखते हैं। रिलायंस, जियो, 4G जैसी टेक्नोलॉजी के बावजूद हम ऐसी जगह होते हैं जहां अपनों की आवाज फोन पर भी सुनने को तरसते हैं। हर बार तोहफे में हमारे परिवारजन मेरे जिंदा लौटने की मुरादें मांगते हैं। हमारी इस भावना को सम्मान देने